हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है आपके अपने इस चैनल पे। मैंने लास्ट वीडियो अपलोड किया था आपका जेएनयू का जो बीए का आपका रिजल्ट पब्लिश हुआ है उसको लेके, उस पर मैंने कुछ कमेंट यहाँ पर देखे थे, कुछ क्वेश्चन आप लोगों के उस कमेंट बॉक्स में थे, तो उन्हीं क्वेश्चन का मैं आंसर इस वीडियो के अंदर करने वाला हूँ। सो इसे आप लोग इस वीडियो को पूरा वॉच करिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा ताकि आपके जो भी सवाल रहे वो हमारे वीडियोस के माध्यम से क्लियर होते रहे। अगर कोई क्वेश्चन आपका रहता है जो कि उस लास्ट वीडियो पे आप लोग कमेंट नहीं कर पाए थे तो आप यहाँ पर कर सकते हो, मैं ज़रूर से रिप्लाई करने का प्रयास करूँगा। ओके, सो मैंने नोट डाउन कराया कि यहाँ पे कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर हमारा जो फी है वो एक्चुअली हमने पे कर दिया था लेकिन जो है वो नोट सक्सेसफुली यहाँ पर दिखा रहा है। इट्स मीन कि जो आपने फीस तो पे किया है लेकिन वहाँ पर अभी भी जो ऑप्शन आ रहा है वो पे फी का ही आ रहा है। तो इसमें मैं आपको बता दूँ कि जब आप फीस पे करते हो तो आप या तो सही तरीके से आपका जो वे है, जो तरीका है जिसे आप पे कर रहे हो, चाहे आप QR कोड करके स्कैन करके कर रहे हो या फिर नेट बैंकिंग से कर रहे हो, तो आपको सही से करना है। या तो आप QR कोड से ट्राई करिएगा, उसमें बहुत कम चांस ये रहता है कि आपका फेल्ड हो, ठीक है, आपका फेल्ड होने का चांस उसमें बहुत कम रहता है, बाकी सक्सेसफुल होने का चांस उसमें फुल रहता है। तो आप जो है QR कोड से उसको करिए। अब वो स्टूडेंट जिन्होंने पे कर दिया लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है नोट सक्सेस फुली बता रहा है, सक्सेस नहीं हुआ है, अभी भी वहाँ पर पे फी का ऑप्शन आ रहा है, तो उन स्टूडेंट को मैं ये बोलना चाहूँगा कि भाई आप अपना फी फिर से पे कर दीजिए। जब आप JNU में जाए तब ये चीज़ उनको बताना कि हमारे साथ ऐसा हुआ, तो हो सकता है कि आपका फ़ी वहाँ से वो बाद में रिफंड कर दे, ठीक है। लेकिन अगर अभी आप इसको पे नहीं करेंगे और वहाँ पे फी का ही ऑप्शन आएगा तो दिक्कत हो जाएगा, आगे प्रोसेस नहीं होगा। ज़्यादा यहाँ पर फी भी नहीं है तो आप एक बार उसको दोबारा से कर दीजिए, वेट करिए। ऐसा नहीं है कि अभी फेल्ड हुआ अभी आप दोबारा से कर देंगे, कुछ देर वेट करिए आप, ठीक है, 4-5 घंटे वेट करिए, लेकिन फिर भी नहीं होता है तो फिर आपको दोबारा से एक बार कर दीजिएगा ताकि आपका एडमिशन नहीं रुके एटलीस्ट, ठीक है। अब एक दूसरा क्वेश्चन मेरे पास आया था कि वहां पर जो है नॉट क्वालिफाई शो कर रहा है डैशबोर्ड में, ठीक है, आपका डैशबोर्ड जो है वो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देता है, ये देखिए, ठीक है, ये आपका इस तरीके से डैशबोर्ड दिखाई दे रहा होगा। ऊपर अगर नॉट क्वालिफाई लिखा हुआ है तो उसका रीजन मैं बता देता हूं, आप एक बार मैच कर लीजिए जो चीज मैं बोल रहा हूं कि आपके साथ वही हो रहा है। अगर वही हो रहा है तो फिर गलती आपकी तरफ से, JNU की तरफ से नहीं है, ठीक है। जब आप यहां पर इनका एडमिशन पॉलिसी देखते हो तो एडमिशन पॉलिसी में क्लियरली ये मेंशन किया हुआ है कि जो है मिनिमम आपका कितना मार्क्स आना चाहिए, कितना परसेंट आपका आना चाहिए, तब आप क्या होंगे, एलिजिबल होंगे। देखिए यहाँ लिखा हुआ है नो कैंडिडेट इज एलिजिबल फॉर एडमिशन, ठीक है। अगर आपका इतना परसेंट ही नहीं आया है, जैसे अगर आप जनरल EWS में हैं तो जितना आपका पेपर था उसका 30% आपका मार्क्स आना चाहिए, तब वहाँ पर नॉट क्वालिफाई नहीं लिखा रहेगा। अगर कम है तो आई थिंक आपका लिखा हुआ है OBC में 27%, SC ST में 25%, तो अगर आप इससे भी कम मार्क्स लेके आए तो आप एलिजिबल नहीं है, इसलिए वहां पर नॉट क्वालिफाई आपका लिखा हुआ है। तो अब ये चीज जो मैंने बोली इसको आप एक बार मैच कर लेना, ठीक है। और आपका जो रिजल्ट है वो कुछ इस तरीके से ही यहां पर लिखा हुआ रहेगा। और दूसरी चीज ये कि आपका सिलेक्शन जो सेकंड लिस्ट में होगा या फिर नहीं होगा तो उस पर एक्चुअली आपकी जो रैंक है वो मैटर करती है। अभी आपका कट ऑफ लिस्ट इन लोगों ने रिलीज नहीं किया है, जैसे ही कट ऑफ लिस्ट रिलीज करते हैं मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपका सेकंड लिस्ट में होगा, कैसे आपका थर्ड लिस्ट में होगा, बट अभी वो चीज़ नहीं क्लियर हो पाएगी क्योंकि आपका अभी कट ऑफ रिलीज नहीं हुआ है। कितने रैंक तक लिया है, क्या सिस्टम है, वो नेक्स्ट जो आपका लिस्ट आएगा उसमें आपको बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखिए डिप्रीवेशन पॉइंट का भी एक ऑप्शन जो है वो मिलता है, तो यहाँ पर आपको जो है वो डिप्रीवेशन पॉइंट भी जो है वो मिले होंगे। इस कॉलम में डिप्रीवेशन पॉइंट का जो ऑप्शन है वो आपका यहाँ पर शो कर रहा है। ओके, इधर आपके CUET के जो परसेंटेज है वो और ये जो मिलाएंगे तो फिर आपका ये फाइनल स्कोर होगा, और इधर आपका यहाँ पर ये टोटल जो है वो काउंट करके बता देगा, इधर इंग्लिश का और इधर जनरल टेस्ट दोनों का, ठीक है। और यहाँ पे आपको परसेंटेज के फॉर्मेट में देखने को मिल रहा है, इस तरीके से आपका जो रिजल्ट है वो शो कर रहा है। ओके, अब देखिए एक बार फिर से हम लोग आपके सवालों पे चलते हैं। दूसरा यहाँ पर एक क्वेश्चन था कि हमारा एब्सेंट दिखा रहा है, ठीक है। तो जहाँ तक मैंने नोटिस करा है, पता करा है कि वो स्टूडेंट आई थिंक वो स्टूडेंट है जिन्होंने ऑफलाइन एग्जाम दिया था, CBT मोड में नहीं दिया था, ठीक है। बाकी इस पर मैं एक बार और ट्राई करता हूँ, बात करता हूँ, आप अपने एंड से JNU को मेल कर दीजिएगा इस चीज़ को लेकर कि मेरा एब्सेंट क्यों शो कर रहा है, ठीक है। बाकी मेरे एंड से मैं ट्राई कर रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन का क्लियरली आपको रिस्पॉन्स कर दूंगा। ओके,
इसके अलावा कुछ क्वेश्चन यहाँ पर थे कि हमें टोकन नंबर नहीं मिला है, तो इस चीज़ को भी हम लोग क्लियर करते हैं अभी, ठीक है। तो देखो आपका जो रिजल्ट है वो बेसिकली इस तरीके का जो है वो शो कर रहा होगा। ये मैंने दूसरे कोर्स का जो है वो आपको अभी मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आपका सेम तरीके से ही शो करता है, सेम तरीके से ही शो कर रहा है आपका, ठीक है। देखिए यहाँ पर इस वाले सेक्शन को आप समझिए, ठीक है, ऊपर वाले को नहीं समझना आपको, क्योंकि आपके काम का ये वाला जो सेक्शन है वो इतना ही है, ठीक है। तो इसी को अभी हम लोग जो है वो डिस्कस करते हैं, ये वाला जो सेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है पे फी का, जब आप पे फी कर देंगे तो वहाँ लिखा आ जाएगा व्यू रिसिप्ट, ठीक है। व्यू रिसिप्ट का मतलब हो गया कि आपका पेमेंट एक्सेप्ट हो गया है। उसके बाद अपलोड योर डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे आपको सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। सबसे ऊपर देखें यहाँ पर डू यू वांट हॉस्टल, तो आप इस पर यस करेंगे और फिर जो है इस प्रोसेस को आगे करेंगे, ताकि आपको हॉस्टल में दिक्कत नहीं हो, हॉस्टल मिलने में कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका ऑफर लेटर लिखा हुआ है, तो इसमें आपका कंप्लीट डिटेल है, कब आपको आना है, कब से ऑफलाइन वेरिफिकेशन चलेगा, वो सब कुछ इसके अंदर है, तो आप वो चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर चेक लिस्ट दिया हुआ है, इसमें कि ये डॉक्यूमेंट कौन कौन से अपलोड कर रहे हैं, कौन कौन से ऑफलाइन लेके जाने, सब कुछ इसमें है। फिर यहाँ लिखा हुआ है प्री इनरोलमेंट फॉर्म, तो ये प्री इनरोलमेंट फॉर्म आपका जनरेट हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है कुछ टाइम लगे, फिर ये लोग जो है सबका लगभग साथ ही यहाँ पर आपका जो है वो जारी करते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पर आपका कुछ एफिडेविट वगैरह होंगे, अंडरटेकिंग होंगे, तो आपको ज़रूरत पड़ती है, जैसे आप पेरेंट्स का और कैंडिडेट का एफिडेविट लगता है तो उसको यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर जब आप इसमें चेक करेंगे तो जो यहाँ पे यूजीसी का वेबसाइट है वहाँ पर सीधा आपको रिडायरेक्ट कर देता है, वहाँ से भी आप जो है वो बनवा सकते हैं। अगर वो वाला इसमें दिया हुआ है तो आप सीधा वहीं से बनाएंगे, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट जो है यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन थे उनका मैंने आंसर करने का प्रयास किया है। बाकी अगर आपको डायरेक्टली मेरे से कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। आपका जो भी क्वेश्चन है, आपका जो भी सवाल है, उसको मैं ज़रूर से सॉल्व आउट करने का प्रयास करूँगा गाइस। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया।